हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, आज मैं सीजीएल के टीयर वन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लोज टेस्ट लेकर आया हूं। उम्मीद है कि ये क्लोज टेस्ट आपको समझ में भी आएगा, आसान लगेगा और इससे आपको सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने से भी सॉल्व करें और आफ्टर सॉल्विंग यू कम बैक टू द वीडियो और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ तक का ले लिया होगा, इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 1 to 4 का हो गया और इसके बाद आप 5 से 7 का, ठीक है, एंड 8 to 10। चलें, तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद कम बैक टू द वीडियो। तो ये क्लोज टेस्ट है जो कि अभी फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में आ रहे हैं, सीजीएल में लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। सो पहले आप इसको पढ़ लें। क्लोज टेस्ट का क्या फंडा है, आप एक बार पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं अधूरा है सर, समझ में नहीं आएगा। भाई सब कुछ समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो बात ही नहीं है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहोगे तो आधी जानकारी ना खतरनाक होती है। अंडरस्टूड, पढ़ लेते हैं। एक इंसान, एक मैन कैन बी फिजिकली डैश विद इन स्टोन वॉल्स। कह रहे कि एक इंसान को फिजिकली स्टोन वॉल्स में क्या कर सकते हैं, एक सवाल। एंड आयरन बार्स, स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स में क्या कर सकते हैं, यानी लोहे की दीवारें और पत्थर की दीवारें, लोहे की सलाखों में एक इंसान को क्या कर सकते हैं, एक सवाल वहाँ हुआ। उसके मूवमेंट को और एक्शंस को क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके माइंड को, स्पिरिट को क्या नहीं कर सकते हैं या फ्री रहता है। उसकी आशाएँ और क्या है, आइडियल्स एम्बिशन जो अभी भी उसके साथ रहते हैं, और अत्याचार और अप्रेशन भी अत्याचार ही है। उसके लव ऑफ लिबर्टी को क्या नहीं कर सकते, और क्रुएल्टी ऑफ ब्रिटिश की अत्याचार जो है इंक्रीज किया जेल को, और किस चीज़ को, फ्रीडम फाइटर्स के। कह रहे कोई भी जेल या ऑपरेशन अत्याचार कभी नहीं कर सका, नो है तो नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका भाई, स्पिरिट, इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन को, इनविंसिबल मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो यहाँ कई सवाल क्रिएट हुए, ठीक है। तो एक बार हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि यह फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, ब्रिटिश के क्रूलिटी यानी अत्याचार, ऑपरेशन या अत्याचार की, टायरनी की बात हो रही है ना, ये सारी चीज़ें। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, थीम क्या है। थीम जानना बहुत ज़रूरी है। अनलेस और अनटिल यू नो द थीम, यू कांट हैव द राइट वर्ड एज योर ऑप्शन, ओके। तो थीम जानना ज़रूरी था। अब हमारे माइंड में चल रहा है थीम, ब्रिटिश आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी, उन पर क्रूलिटी, अत्याचार ब्रिटिशर्स का, और क्यों हो रहा था, किस वजह से, ये सारी बातें दिमाग में चल रही हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा क्या कि भाई फिजिकली जो है स्टोन वॉल में, तो सोने पत्थर की जो दीवारें हैं उनमें क्या किया जाता है किसी मैन को, पत्थर की दीवारों में या जो लोहे की सलाखें होती हैं, तो उन सलाखों के पीछे एक आदमी को क्या किया जाता है, उसको कैद किया जाता है, कन्फाइंड, है ना। आई होप कि आंसर होगा। प्रिवेल मतलब होता है जो चीज़ अभी चलन में है,
प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, प्रिवेंटेड होता है आपका रोकना, लिमिटेड मतलब होता है जो चीज़ कम है, सीमित है, लिमिटेड, और कन्फाइंड का मतलब हो गया आपका कैद करना। तो कह रहा है कि एक मैन को फिजिकली कैद किया जा सकता है पत्थर की दीवारों और लोहे की दीवारों के पीछे। अब कह रहा है उसके डैश ऑफ मूवमेंट, देखिए खाली स्थान के बाद यहाँ ऑफ है, इसका मतलब यहाँ एक नाउन होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में आ जाइए, जो नाउन होगा वही आंसर होगा और नहीं तो कोई नहीं। क्योंकि ऑप्शन थोड़ा आगे है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। हाँ तो क्या था, ऑफ मूवमेंट है ना, तो यहाँ आंसर आपका जाएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जी क्या जाएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, एंड एक्शंस को 10 भी रोका जा सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने देखा वांट ऑफ मूवमेंट नहीं होता, ये जो है वांट ऑफ मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट, वे ऑफ मूवमेंट, तो आंसर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को क्या नहीं किया, क्या किया जा सकता है, जेल के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, योर आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रिस्ट्रिक्टेड, हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन में दस भी रिस्ट्रिक्टेड। तो जब वो जेल में बंद होता है तो उसकी आज़ादी के जो एक्शन की जो आज़ादी है घूमने फिरने की, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लेकिन उसका माइंड और स्पिरिट जो है, उसकी जो सोच है, विचारधारा है, वो अभी भी विल डैश रिमेन फ्री, अभी भी क्या रहेगा, स्टिल, अभी भी, ठीक है। अगला वर्ड हमारा स्टिल जा रहा, स्टिल क्यों ले लिए सर, अब यहाँ देखिए नया लिखा हुआ है, आइडियल्स एंड एम्बिशंस विल स्टिल, है ना, स्टिल है, स्टिल रिमेन विद हिम। इसलिए मैंने कहा था कि पूरा पढ़ो, कभी कभी क्लोज टेस्ट में होता है कि पीछे एक वर्ड जो भर रहा है वो आगे कहीं ना कहीं उसका क्लू भी रहता है, उसकी मदद से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा फ्रीडम, यहाँ हो गया रिस्ट्रिक्टेड, और यहाँ हो गया विल स्टिल रिमेन विद हिम। तो जब वो कैद में होता है तो फिजिकली तो बंद रहता है, लेकिन उसकी उसका माइंड, उसका स्पिरिट, उत्साह, ये उसके अभी भी फ्री रहता है, उसको कैद कोई नहीं कर सकता। उसकी आशाएं और क्या, अभी यहाँ पॉजिटिव वर्ड है आशाएं, तो इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड हम लेने वाले हैं, तो क्या लेने वाले हैं हम, उसकी आशाएं और एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज को कहते हैं नीड्स, आवश्यकताएं, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, एस्पिरेशंस, आशाएं, ये भी एक तरह की आकांक्षा, आशा है, तो आंसर इज ए। तो उसके जो होप्स है, यहाँ पे होप्स एंड एस्पिरेशंस, वही आशाएं जो है, आइडियल्स, एम्बिशन, विल स्टिल रिमेन विद हिम, वो अभी भी उसके ही साथ रहते हैं, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है उसके पहले खाली स्थान दे दिया है, तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, चलिए उसको देख लिया जाए। तो अगला वर्ड क्या, हम लिटिल से शुरू करें, ऑल से, लिटिल टायरेनी, अंग्रेज थोड़ा टायरेनी तो नहीं करते थे, ऑल टायरेनी होता नहीं है, फुल टायरेनी भी नहीं, तो नो से हम जा सकते हैं, ठीक है, चलिए नो से जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो टायरेनी और ऑपरेशन, यानी कोई अत्याचार, जुल्म, कैन द लव ऑफ लिबर्टी, तो जो जुल्म है वो लव ऑफ लिबर्टी को क्या नहीं कर सकता है सर, चलिए वो चेक करते हैं क्या नहीं कर सकता है। तो अंग्रेज क्यों जुल्म करते थे, कि लोगों की जो लव ऑफ लिबर्टी है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, देश का जो प्रेम है वो ख़त्म हो जाए, तो वो रिड्यूस करने की बात कर रहा है, कि जितना उन्होंने जुल्म किया कि वो कम करेंगे, वो और बढ़ते गया, तो वहाँ रिड्यूस होगा। इंटिमिडेट मतलब होता है डराना,
और इधर आपका प्रिवेल करना, प्रिवेलिंग पहले आया था, चलन में होना, प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। चलिए तो लव ऑफ लिबर्टी को क्या नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। द क्रूलिटी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का जो अत्याचार है उसने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 8वां नंबर में। ओनली इंक्रीज, हार्डली इंक्रीज, रेयरली इंक्रीज, नैरोली, नहीं ये कोई नहीं होंगे सिवाय ओनली के, क्योंकि अंग्रेज जितना जुल्म करते थे उतना ही जो है स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह बढ़ता था, तो इट ओनली इंक्रीज, तो यहाँ क्या होगा, ओनली ब्रिटिश ओनली इंक्रीज द जील एंड एंड व्हाट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो जेल के साथ जिससे हम होप के साथ हमने ऐड किया था ना, होप एंड एस्पिरेशन, तो जेल से मिलता जुलता एक वर्ड हम ऐड करेंगे यहाँ पे, जेल एंड व्हाट, डिटर्मिनेशन। भेदभाव की तो कोई बात नहीं हो रही है, माइंड एंड वांट चाहिए नहीं, तो जेल के साथ क्या जाएगा, डिटर्मिनेशन। तो ओनली इंक्रीज द जेल एंड डिटर्मिनेशन, जेल मतलब होता है उत्साह और डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प, तो अंग्रेज जितना जुल्म करते थे इनका उत्साह दृढ़ संकल्प उतना ही बढ़ जाता था, ठीक है। किसका, ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। नो प्रिजन, देखिए यहाँ पे हमने अभी नो लिया था क्योंकि आगे भी वही चीज़ है, नो प्रिजन, नो ऑपरेशन, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमेशा पैराग्राफ पहले ही पढ़िए, ओके। नो प्रिजन, नो ऑपरेशन कैन एवर व्हाट द इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन, मैन के इनविंसिबल स्पिरिट को क्या नहीं कर सकता, व्हाट इज इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, क्या नहीं कर सकता है वो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था रिड्यूस करना, तो रिड्यूस का ही सिनोनिम जाएगा लोअर, है ना। अभी कुछ देर पहले रिड्यूस आया था आगे में, तो वो लोअर यानी कम नहीं कर सका, जितना अत्याचार हुए लोग उतना ही और जिद्दी हो गए कि अब तो आज़ादी लेके ही रहेंगे। सो कैन एवर लोअर द इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन। तो क्लोज टेस्ट में आज के सेशन में आपने ये सीखा कि पहले तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, दूसरा थीम समझने की कोशिश करनी चाहिए, तीसरा ये कि पूरा पढ़ने से आपको कुछ चीज़ें रिपीटेड मिलती हैं, जैसे अभी टायरेनी वाला नो जो यहाँ था, क्योंकि यहाँ नो प्रिजन नो ऑपरेशन आ रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे आया था नो टायरेनी नो ऑपरेशन। फिर यहाँ देखे हमने कि स्टिल के साथ जो था रिमेन था, तो यहाँ पे भी हमने वही देखा स्टिल और फिर साथ में रिमेन, तो पैराग्राफ में ये रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनका हमेशा ख्याल रखिएगा, और नहीं तो आप आंसर ढूंढ रहे हैं एक दो लाइन पढ़ के जबकि आंसर कहीं क्लू के रूप में आगे है तो आप इग्नोर कर देते हो, तो ऐसे चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं दूसरे क्लोज टेस्ट के सेट भी आपके लिए ला सकूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।